गुड इवनिंग मैम। ओके बच्चों, सो थैंकफुली रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। थोड़ा सा टेक्निकली एक इश्यू आ रहा है। अरे वाह, आप लोग कितने मस्त हो ना। क्लास हो ना हो, वही अब तो हमें क्लासमेट से फुल ऑन बातें होंगी। यस मैम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कर रहे थे, आप लोगों ने बताया, तो चलिए उन्हीं के स्लाइड्स थर्ड को ओपन करते हैं। सो आज का डेट है मेरा, कितना है भाई आज का डेट? 15 तारीख है ना, 15 जनवरी। जनवरी के भी 15 दिन बीत गए, मतलब पूरा साल तो बीत ही गया था, पता नहीं चल रहा अब दिन जैसे जैसे बीत रहा है ना। मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। संडे जो आपका टेस्ट था उसमें मैथ्स भी आया था बच्चों, कैसा यस मैम गया आपका टेस्ट वैसे यस संडे वाला? डक मैम, मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत का न्यूट्रल ऑक्सीड अच्छा पोर्शन गया। भी और पानों का टुकड़ा। बहुत अच्छा हुआ। ऐसा क्या आया था भाई कि आपका बहुत अच्छा हुआ? सब इजी इजी क्वेश्चंस आए थे क्या? मैम इजी भी नहीं थे मैम, ठीक ठीक है, चलिए। स्ट्रेट लाइंस के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आई गेस आपको याद होगा, आपने एक जमाने में इसके बारे में पढ़ाई की थी। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट नेक्स्ट वाला स्लाइड मैंने लिया है, जो दो आपके हो गए थे उसके बाद का। मैं क्लास वाली स्लाइड से रिपीट कर दे रही हूँ रेदर देन टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो रहे कि हाँ हमने इसको पढ़ा था, देखा था। इंक्लिनेशन तो आपको पता ही है ना क्या होता है, स्लोप को बोलते हैं। एक लाइन आपने यहाँ से खींचा एंड ये वाला पूरा एंगल आपका थीटा बनेगा, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो मैं थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करूंगी अभी, बस आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलती हूँ। स्लोप और ग्रेडियंट, द स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल ओनली एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। चाहो तो ये दो थियरम्स आप प्रूव कर सकते हो, नहीं अगर प्रूव करना चाहते हो तो। इसमें कोई क्वेश्चन था आपके करने के लायक? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। आप थ्योरम पार्ट को छोड़ दो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में आओ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों? y2 minus y1 upon x2 minus x1। मैं बस कैमरा ऑफ कर रही हूँ, बाकी म्यूट म्यूट नहीं करती हूँ। चलो फटाफट से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, यही हूँ मैं। मैं 1/6 कितना आया मैम, सौरभ आपको? 1/6 1/6 ओके ठीक है, चलिए।
अच्छा ये क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस इज दिस। स्लोप दिया हुआ है, इसको जरा फाइंड आउट कीजिए। ओके सो सबको कितना मिल रहा है वैल्यू, p इक्वल्स टू 4। तो मुझे इस क्वेश्चन को कराने की तो जरूरत नहीं है ना? नो मैम, नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट वाले को जरा देखना आप। एक्सक्यूज मी मैम, बताइए मैम, मेरा आंसर 2 आया पिछले का। क्या किया आपने यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगाया कि आपका 2 आया? मैम वही लगाया y2 - y1 upon x2 - x1। ओके इक्वल्स टू स्लोप यानी कि -1/3। y2 कितना है? -3। माइनस ऑफ वाई वन है -p अपॉन में 2 - 5, ये कितना होगा आपका p - 3 अपॉन में -3 = -1/3। p - 3 = 1, p = 4, इतना ही तो करना था। आपने शायद माइनस विनस कहीं पे कर दिया होगा। यस मैम, माइनस की गलती, हाँ इसलिए मिस्टेक हो गया। इसलिए तो मैं नहीं कराती हूँ सॉल्व, आप ही को देती हूँ करने को, क्योंकि बेसिकली अब क्लास का मतलब यही रह गया है रिविजन। मतलब इसको जरा सॉल्व कीजिए बच्चों, के की कितनी वैल्यू आएगी बताना मुझे, के निकालना है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट सही वैल्यू बताइएगा। मैम के की वैल्यू आई 2 26/5। यस मैम, यही आई। यस मैम। ओके तो सारे लोगों को कितना के मिला है? 26/5। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इसमें भी किसी का आंसर गलत आया है, तो बता सकते हो। मुझे सॉल्व करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड।
चलू मैं फिर आगे? यस मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्विज है, बट क्विज में भी क्वेश्चन तो अच्छे ही लिए होंगे लग रहा है। हाँ ये क्वेश्चन करने लायक है आपका। कैसे करोगे इसको? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स, यहाँ पे आप क्या करना है, स्लोप निकालना है आपको। कोलिनियर बोल दिया मतलब क्या है, देखो एक लाइन है, सपोज बीच में बी है, यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे आपका सी है, ठीक है। सारे पॉइंट्स प्लॉट करके आप स्लोप निकालोगे जब फॉर्मूला लगा के, ए बी इक्वल्स टू आपको समथिंग मिलेगा। ये मेरा टेढ़ा टेढ़ा क्यों भाग रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है मेरा पतंग की तरफ? ए बी इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा, बी सी इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा, दम टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है पूरा, ये मेरा पतंग की तरफ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अभी मैं करा तो नहीं रही हूँ, मीट के फिर से कर दूंगी। ये पूरा निकालो आप, के की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे क्या वो बताओ, थोड़ा इसको सॉल्व करो। अंकिता वो पसंद नहीं है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा जाए। मैम प्रॉपर तरीके से लिखा करो हमारी क्लास में। मैम एक ही वैल्यू आई, -3/4। यस मैम सेम। मैम सेम -3/4। मुझे तो हैरानी हो रही है। यस सही है, वैल्यू आपकी ठीक है, बट सारे लोगों को सेम सेम कैसे मिल रहा है, मतलब एक संग बैठ के कर रहे हो क्या? मैम ठीक ही है तो। हाँ अब वही आंसर है तो मैम सबको तो वही मिलेगा ना। यस मैम। मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं बच्चे, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कितने बच्चे हमारे क्लास में? 20, 21। एक तो स्क्रीन है और एक मैं हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन भी बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे आपको मैं बताऊं, आपको स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, देन आप निकालोगे स्लोप ऑफ बी सी, देन आप क्या निकालोगे स्लोप ऑफ ए सी, या फिर स्लोप ऑफ ए सी निकालने की जरूरत नहीं है ना हमें, स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी से ही काम हो जाएगा हमारा, और तो सेंटर। हाँ क्योंकि फॉर्मूला लगा देना है उसके बाद। चलो ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू -1 करके आप इसको सॉल्व करिए एंड फिर बताइए कितना आंसर आता है। एक और बात बताइए बच्चों, थोड़ा एक मिनट है, सारे लोग सॉल्व मत करना अभी, मुझे ये बताइए कि आपका जो टेस्ट लिया जाता है तो उसमें क्लास में कराए हुए क्वेश्चन से मिलता जुलता आता है कि नहीं आता है? मिलता जुलता ही आता है। अच्छा ठीक है चलिए फिर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मैं फिर मैं देखती हूँ। यही हूँ मैं। मैम AB-1 और BC-1। अरे वाह सौरभ का सॉल्व भी हो गया,
माइनस वन और वन मतलब माइनस वन इंटू वन माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन. यस मैम. ओके ठीक है, बाकी लोगों को भी क्या मिलता है जरा बताइए, इन्होंने तो माइनस वन बोला. मैम यही आया माइनस वन. माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन मतलब ये मिल रहा है आपको. यस. क्या कह रहे हो सौरभ? मैं नहीं बोला उसने. ओके ठीक है, चलिए फिर, चलिए फिर सबको यही मिल रहा है तो सही होगा, तभी तो मिल रहा है. नेक्स्ट में अक्सर तो मैं होमवर्क क्वेश्चन छोड़ देती थी, बट फिर मुझे लगा क्यों छोड़ती थी, होमवर्क में क्वेश्चन ही इसलिए देते थे क्योंकि भाई बच्चे करके आए, तो जब रिवीजन चल रहा है तो यही करो होमवर्क वाला क्वेश्चन भी. स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस. आई होप ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है हमने, इसको करिए जरा. सबको सेम आंसर मिल रहा है? मैम मेरा माइनस टू आ रहा है मैम. ओके, और बाकी लोग भी बताइए भाई कितना कितना आ रहा है आप लोगों का. मैम माइनस टू. मैम टू. अब क्या किया जाए, किसी का माइनस टू आ रहा है किसी का टू, किसका सही है, कहाँ पे गलती की आपने साइन की, एक बार फिर से चेक कीजिए सब अपना अपना कैलकुलेशन. मैम टू. जो माइनस टू बोल रहे थे वो भी ज्वाइन कीजिए, कह रही हूँ चेक कीजिए प्लीज. हो गया, सबने चेक कर लिया अपना अपना फाइनल आंसर, कितना बोल रहे हो आप फिर? मैम टू. ओके देन, अगर आप टू कह रहे हो तो टू ही है फिर. मैम टू है. अंकिता ने बोल दिया, अब तो मैं मोहर लगा दूंगी कि इसका आंसर है टू, बस अब आगे कोई बात नहीं होगी. ये मोस्टली क्या है पता है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता रहा है और कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर करना है इसको. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ या फिर वाई टू माइनस वाई वन लगाओ, वही बात हो जाएगी. चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ढंग का क्वेश्चन है. इफ स्लोप ऑफ ए लाइन एल इज टैन थीटा, देन स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एल इज कितना होगा? माइनस कॉट थीटा.
ये कैसे बोला आपने? हाँ जी आप अपने बाकी क्लासमेट्स को बता रहे हो ना, तो अब आपसे ये पूछेंगे कि कैसे, हमें नहीं समझ में आया, तो आप इनको कैसे बताओगे? मैम m1 into m2 is equal to -1 और m1 हमारे पास tan theta दिया है, तो m2 आ गया -1 upon tan theta which is equal to -cot theta. ओके चलो आपका लॉजिक तो बहुत अच्छा है. बाकी किसी और का कोई लॉजिक यहाँ पे? आपने बिल्कुल सही बोला है, माइनस वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा -cot थीटा. सो सी पता है हमारा रिजल्ट क्या है? देखो हम लोग चाहे 6 महीने से पढ़ रहे हो, 7 महीने से पढ़ रहे हो, जब से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अब हाल ऐसा हो गया है कि टीचर सिर्फ क्लास में आ रहा है, यानी कि मैं क्लास में आ रही हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग बहुत सिंसियरली कर भी रहे हो, और जो क्लास में स्टूडेंट है वही दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट दिख रहा है. मुझे तो आप लोग कंप्लीटली बाहर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर आप लोग खुद एक दूसरे को आंसर दे रहे हो तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और खुशी है मुझे. इसको जरा सॉल्व करेंगे. लेट ए बी एंड सी बी 3 पॉइंट्स, ए सी इक्वल्स टू बी सी है और हमें के फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं अगेन ए बी और सी 3 पॉइंट्स लिख दूं तो फिर से वही चीज है, बस के की वैल्यू निकालनी है. प्लीज इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे. मैं -13/5. मैम 13/7. तो कंट्रोवर्सी है माइनस और प्लस में, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग अपोजिट वैल्यू ही लेकर आ रहे हो भाई? अच्छा बताइए क्या किया आपने एसी के लिए, क्या किया? y2 - y1 / x2 - x1, यही फॉर्मूला लगाया आपने? यस मैम. 13/7 आएगा, सही गलती हो गई थी. -13 आएगा मैम. 13/7. फिर माइनस बोल रहे हैं, 13/7 ना? यस मैम. यस मैम 13/7. ओके चलो वो ही आएगा, बस वैल्यू पुट अप कर दोगे. तो और कुछ है भाई क्वेश्चन इधर में? ये तो कंक्लूजन था हमारा. सो ये वाला स्लाइड तो पूरा हुआ. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4th स्लाइड क्या था जो हमने पढ़ा था? थैंकफुली मेरे पास सारे स्लाइड्स रखे हुए हैं आपके. हमने यहीं पे जो क्वेश्चन आपको पहले ही करा रखे हैं ना, अब इसीलिए इसी को मैं करा रही हूँ फिर से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4.
ये तो इंसर्ट करने में ही टाइम ले रहा है। ये हो गया। ओके, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म था स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाला तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ये वाला कर सकते हैं बच्चों सॉल्व। इसको इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अब यही तो बात है, रिवीजन में फॉर्मूला याद होगा तभी तो होगा। है तो ठीक है, नहीं है तो अब फिर बताना पड़ेगा मुझे। मैम बता दो। अरे इतने प्यार से बोलोगे तो बताना ही पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, बहुत इजी है। वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? ए है माइनस टू कॉमा थ्री, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है मतलब ये, एंड आपका बी है 4.7। ठीक है, तो ये होगा एक्स वन कॉमा वाई वन और ये हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। देन आप पुट करके इसको निकाल सकते हो। मैम ये फॉर्मूले में वाई वन से पहले वाई टू है। कहाँ? मैम फॉर्मूले में जहां पे आपने वाई लिखा है सिर्फ। y माइनस वाई वन है, y टू नहीं है, y माइनस वाई वन है एंड यहाँ पे x माइनस एक्स वन है, y टू नहीं है ये दोनों जगह पर। ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, मैंने कुछ गलत लिख दिया नहीं ना? अब सौरभ आपके अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हो कि मैम y2 आपने यहाँ बताया, y2 लिखेंगे कहाँ? तो वो आप ढूंढिए कि फॉर्मूले में y2 आप कहाँ लगाएंगे। मैम इक्वेशन आई टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। ओके, बाकियों का भी आने देते हैं। थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू जीरो। बच्चों ये मिल रहा है क्या आप लोगों को? मैम टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा तो 13 माइनस हो जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 13 माइनस हो जाएगा ना? आपने क्या बोला अंजलि? टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 13। मैम टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। कोई बात नहीं, अगर ये आपका आंसर है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? साइन चेंज कर रहे हो सबका, बस और कुछ नहीं। बाकी इक्वेशन तो वही बन रहा है आपका ना, और x पहले रहता है y बाद में रहता है, तो ये है गलत ये है सही। टीचर ने गलत कर दिया, स्टूडेंट ने सही कर दिया, है ना? बिग स्माइल फ्रॉम स्टूडेंट्स।
डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। सबको मिल गया भाई तो चलेंगे आगे, नहीं मिला तो फिर मैं करवाऊंगी ना। तो एक बार इसलिए कंफर्मेशन के लिए हैंड ही रेस कर देना जिसको जिसको मिल गया। दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को करने में क्या बच्चों? हैंड रेस कर दीजिए मैं समझ जाऊंगी, नहीं भी बोलोगे तो। नो मैम, सेम हो गया ओके, अगर हो गया है तो नेक्स्ट में है हम मैम, लोग। करवा दो। ओ हो, ठीक है चलो करवा देती हूँ। आप लोग बोलो और मैं ना करवाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो इसको करते हैं। अच्छा चलिए, तो y माइनस वाई वन मैं पहले इक्वेशन से ही देख लूं मेरा y क्या है। y कुछ भी नहीं है मेरे पास, y माइनस थ्री इक्वल्स टू 7 माइनस थ्री अपॉन में 4 माइनस ऑफ माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, सो y माइनस थ्री इक्वल्स टू, अरे मैंने 4 लिख दिया, 7 माइनस थ्री 4 होता है इसलिए लिख दिया था। 7 माइनस थ्री अपॉन 4 प्लस टू एंड एक्स प्लस टू, फिर y माइनस थ्री इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 एक्स प्लस टू। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इस 3 को मैं इधर लेके जाऊं अगर तो 3y माइनस 9 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 13, विच इज एक्चुअली 2x। कितना अंजलि, 2x प्लस 3y या -3y? -3y हाँ 2x माइनस 3y, क्योंकि -2x था तो प्लस हो गया, अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस था बेचारा तो ये क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा फिर। मैम प्लस। +13 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन आएगा क्या सबको? सबको मिल रहा है तो मतलब मेरा सही है। यस मैम, ठीक है यस चलिए चलिए, मुझे कुछ कुछ चीजें अब आप लोग से सीखना पड़ेगा। लगता है मैथ्स पढ़ा पढ़ा के मेरी टीचिंग पुरानी हो गई है। सी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3 माइनस 5। ठीक है, सेम चीज है, बस 3 और माइनस 5 जो है वो आपको क्या दिया है, x1 y1 दिया है, दैट्स ऑल। तो आपको निकालना क्या है भाई? चलो इसको भी आप ही लोग मुझे पढ़ा दोगे, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं अब। ऐसा लग रहा है मैं रिवीजन करने आ रही हूँ, बट मुझे खुशी है। एक्स माइनस एक्स वन, इसको जरा ट्राई करना। सभी बच्चों को मैं टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक बच्चे का हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। आप लोग आराम से करिए। ठीक
मैम नहीं हो रहा है, आप ही करा दो। अच्छा नहीं हो रहा है, ये किसी से भी नहीं हुआ। मैम वाई वाई मैम माइनस फाइव आ रहा है। वाई माइनस फाइव तो सही है आपका, और जो कह रहे हैं नहीं हो रहा है तो उनको कहाँ पे नहीं हुआ ये तो बताइए। आपने ट्राई किया तो कहाँ नहीं हुआ? सौरभ ने लिखा वाई माइनस फाइव, कैसे आया सौरभ आपका? मैम वाई प्लस फाइव इक्वल टू एम एम मैम जीरो लिया और एक्स माइनस थ्री जीरो से मल्टीप्लाई करके वो जीरो आया, वाई इक्वल टू माइनस फाइव। y इक्वल्स टू माइनस फाइव ही आएगा क्योंकि x तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना। पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको याद है पैरेलल टू x एक्सिस ये x है और ये y है। पैरेलल टू x मतलब कितना, ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन? कौन सी लाइन, ये वाली? यस मैम। यस मैं लिख देती हूँ ये वाली। तो यहाँ पे x तो जीरो होगा, वाई की वैल्यू माइनस फाइव आपको आ गई है, और क्या, यही तो निकालना था। तो जो कह रहे नहीं हुआ कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे, सी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अंकिता आपका हुआ ये क्वेश्चन? नो मैम। ओके तो देखिए x माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, अगर आप इसको लेते हो सपोज इक्वेशन नंबर वन ही ले लो, y आपको यहीं से माइनस फाइव मिल जाएगा। मैम ये x माइनस थ्री वाई कैसे आया? x माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है थ्री, और y वन क्या है हमारे पास फाइव है ना, ये x वन y वन ही तो है। चलो आप मेरे मेथड से ना भी करो तो आप खुद से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, आप अगर x1 y1 की जगह पे वैल्यूज रखोगे तो y माइनस ऑफ माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो होगा, y प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो होगा, y इक्वल्स टू माइनस फाइव होगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी पार्ट को ले लूं y माइनस y1 को, और ये सब मेरे जीरो ही होगा क्योंकि x पार्ट कंप्लीटली जीरो, तो जीरो इंटू स्लोप जीरो हो गया आपका। ऐसे करो आप, देखो आपको इजीएस्ट तरीका बताती हूँ मैं कि कहानी पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। तो y माइनस ऑफ माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, y प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू माइनस फाइव, दैट्स ऑल। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, ठीक है। कौन बनेगा बोर्ड में विनर? अब देखो ये क्वेश्चन ओरली बोलने वाला है, लाइक राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मेरा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना बनेगा बच्चों, इधर y इक्वल्स टू k बनेगा, और अगेन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा x इक्वल्स टू k, ये y इक्वल्स टू k और ये बनेगा x इक्वल्स टू k। देयरफोर आपका पैरेलल टू x एक्सिस में क्या होता है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना,
दैट इज के. एंड नेक्स्ट में क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें क्या होता है, x इज इक्वल्स टू के, दैट्स ऑल. ये भी कांस्टेंट एंड ये भी कांस्टेंट आपके हो गए. इज इट ओके बच्चों? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, अरे ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, सो दिस इज डन. नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x + 3y = 7 एंड पासिंग थ्रू 2, 7. इसको जरा ट्राई कीजिए, तो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x + 3y = 7 एंड पासिंग थ्रू 2, 7. इसमें आपको x और y के पॉइंट्स दिए हुए हैं. मैम आंसर आया 2x - 3y + 17 = 0. मैम 2x + 3y = 25. 17 वाला आंसर तो गलत है और 2x + 3y = 25 सही है. कहाँ पे गलती हुई एक बार चेक करो, नहीं तो मैं इसको करवा रही हूँ अभी. मैम प्लस माइनस में गलती होगी. हाँ प्लस माइनस में हुई है तभी आपका 17 चला गया. यस मैम बहुत होती है, इसीलिए तो खुद खुद पेन पकड़ के करना पड़ता है. यही होता था हमारे संग भी जब हम स्टूडेंट थे, तो टीचर कराता था तो ऐसा लगता था अरे मैथ्स क्लास में क्या ही जाना, सब कुछ तो आता है. खुद से जब करो तो कहाँ प्लस कहाँ माइनस दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपसे करवा रही हूँ. पेपर हो गया. सो आपका 2x+, अरे अरे ये पता नहीं क्यों मेरा टेढ़ा टेढ़ा जाने लगता है. 2x + 3y = 7. अगर मैं इसको पॉइंट ए ही मान लूं, तो ये मेरा 2, 7 तो है ही. ये हो जाएगा मेरा x और ये हो जाएगा y. तो 2x + 3y = k अगर मैं ले लूं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूं 2 + 3, ये हो जाएगा 7 = k. सो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 25. Therefore, मेरा जो लाइन है वो है 2x + 3y = 25. ओके डन डना डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है अपने पास? Find the equation of the line that passes through point 5, -3 and makes an intercept 4 on the x-axis. तो आपको equation of line ऐसा find out करना है जो pass करता हो 5, -3 से and intercept 4 है on the x-axis. इसको भी try कीजिए, अच्छा question है, तभी तो हम लोग homework में दिया करते थे.
हुआ क्या बच्चों ये सॉल्व? नहीं कोई मैम पूछना? कर रहे हैं। ओके ओके करिए करिए। मैम ऑप्शन डी आया। बी या डी? मैम डी। डी ओके। कितने लोगों को ऑप्शन डी मिला है? और बाकियों को? बाकियों को कोई आंसर नहीं मिला? मैं लिख रही हूं यहां पे, If x intercept is a, then a comma 0 is a point on the line. तो आप क्या करोगे? टू पॉइंट फॉर्मूला, टू पॉइंट फॉर्म वाला कोई ऐसा फॉर्मूला यूज किया था आपने? तो अब आपको आंसर मिलेगा डी। आप लोगों ने कैसे किया जिनको ये मिला है? क्या लगाया ऐसा कि आपको आंसर मिल गया? अब लो आंसर तो आ जा रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है ये बताना जरा मुश्किल हो गया है ना। कुछ बोलेंगे बच्चों आप लोग?
यस मैम अंकिता ने बोला यस मैम, बेचारी मैम परेशान हो पलक ने गई। बोला। ओके सो सॉरी, पलक ने बोला यस मैम। ए कॉमा जीरो लगा करके आप लोग इसको सॉल्व कर पाए? यस मैम। ठीक है फिर, अगर कर पाए हो तो वेरी गुड। करना तो वैसे आपको चाहिए था इसको सॉल्व, क्योंकि बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास? इसको नहीं करने बोलूंगी, सेम सेम ही क्वेश्चन है आपका। द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 4। सेम ही चीज है आपको, इसको भी चाहो तो आप कर लो सॉल्व उसी मेथड से। आह 20 बच्चे नहीं, 18 बच्चे रह गए हैं, टाइम भी हो गया है। चलिए आज आपको रेस्ट देते हैं, और अगली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट स्लाइड्स लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके मैम। बची हुई जो समय है उसमें आप थोड़ा सा और मकर संक्रांति को एंजॉय कर लीजिए। कुछ और खाना पीना है? हमारे यहाँ करते नहीं, हम हाँ हमारे यहाँ करते नहीं कोई। अच्छा, हाँ हिमाचल में नहीं होता है ना, मैं भूल गई थी।